अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर थर्ड लेक्चर। सवाल नंबर 41 है ऑन सिल्वर। फिलग्राम इज मींस निसाब सिल्वर पर कितना है? 50 तोला, 52.5 तोला, 54 तोला, 55 तोला। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 52.5 तोला। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मैनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात केम इन कुरान? कुरान पाक में ज़कात के बारे में कितने मरतबे ऑर्डर आया है? ऑप्शन ए है 20 टाइम्स, ऑप्शन बी है 32 टाइम्स, ऑप्शन सी है 40 टाइम्स, ऑप्शन डी है 42 टाइम्स। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है बी, 32 टाइम्स अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़कात के बारे में फरमाया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच खलीफा राशिदीन अनाउंस्ड द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात? कौन से खलीफा राशिदीन ने उन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू किया जो ज़कात नहीं दे रहे थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे जो ज़कात नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु सेड दैट ज़कात इज़ ट्रेजर ऑफ इस्लाम? किसने कहा कि ज़कात इस्लाम का ख़जाना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नन ऑफ देम। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ज़कात इज़ द ट्रेजर ऑफ इस्लाम, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्बल मीनिंग ऑफ हज, हज की वर्बल मीनिंग है टू प्रे, द विल टू विजिट, टू डिवाइस, टू परमेनेंस। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द विल टू विजिट। हज की मानी है ज़ियारत के लिए जाना। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन विच हिजरी ईयर हज वाज मेड कंपलसरी? किस हिजरी में हज को फ़र्ज करार दिया? 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 हिजरी, नन ऑफ देम। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 9 हिजरी। 9 हिजरी में हज फ़र्ज हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ मैनी हज वर परफॉर्म्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज अपनी ज़िंदगी में अदा किया? नंबर ए है 1, बी है 2, 3 है 4। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विच हिजरी ईयर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज? किस हिजरी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया? 8 हिजरी, 9 हिजरी, 10 हिजरी, 11 हिजरी। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है 10 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय तवाफ? तवाफ का मतलब क्या है? टू सर्कल अराउंड काबा, वन अटेम्प्ट बिटवीन सफा एंड मरवा, स्टे एट अरफात, नन ऑफ देम। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू सर्कल अराउंड काबा, काबा के इर्द गिर्द घूमना तवाफ कहलाता है। वैन वाज फर्स्ट हज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स? मुसलमानों ने पहली हज कब अदा की? दोस्तों पहला ऑप्शन है 9 हिजरी, 10 हिजरी, 11 हिजरी, 8 हिजरी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 हिजरी। 9 हिजरी में मुसलमानों ने पहला हज अदा की। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑन विच डेट थ्रोइंग ऑफ स्टोन इज परफॉर्म्ड ऑन जुमेरात? किस दिन जुमेरात पर आज ही लोग जाकर स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं? द
10 जुलहज, 11 जुलहज, 12 जुलहज, 13 जुलहज। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 जुलहज। क्वेश्चन नंबर 52 है, टेल द नंबर ऑफ फर्ज ड्यूटीज टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग हज। हज के दौरान कितने फ़र्ज है? 4, 5, 3, 7। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। हज के दौरान 3 फ़र्ज है। क्वेश्चन नंबर 53 है, टू स्टे एट अरफात इज, अरफात पर रुकते हैं उसको क्या फ़र्ज कहते हैं? वाजिब कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, मुस्तहब कहते हैं? दोस्तों अरफात पर रुकना फ़र्ज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुजदलिफा इज सिचुएटेड, मुजदलिफा कहाँ पर पाया जाता है? बिटवीन खाना काबा एंड मीना, बिटवीन मीना एंड अरफात, नॉट बिटवीन स्टेटेड अबव, बिटवीन सफ़ा एंड मीना। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है बी बिटवीन मीना एंड अरफात। क्वेश्चन नंबर 55 है, एट द प्लेस ऑफ मुजदलिफा ऑन 9th जुलहज विच टू प्रेयर्स आर परफॉर्म टुगेदर। मुजदलिफा पर 9th जुलहज के दौरान कौन से दो नमाजें इकट्ठी पढ़ी जाती है? जहर एंड असर, मगरिब एंड इशा, असर एंड मगरिब, नन ऑफ देम। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मगरिब एंड इशा। क्वेश्चन नंबर 56 है, फ्रॉम वेयर पेबल्स फॉर थ्रोइंग ऑन जुमेरट आर ऑब्टेंड। कहाँ से जुमेरट पर स्टोन फेंकते हैं? केव सूर से, मुजदलिफा से, मीना से, अरफात से? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मुजदलिफा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाउ मैनी कैमल्स वर सेक्रीफाइस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हज बाय हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किया तो कितने कैमल्स उसने ज़बह किया? ऑप्शन ए है 60 कैमल्स, बी है 63 कैमल्स, सी है 65 कैमल्स, डी है 67 कैमल्स। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 63 कैमल्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु परफॉर्म्ड फर्स्ट हज बैतुल्लाह। हज बैतुल्लाह की पहली हज किसने किया? हज़रत इब्राहिम एंड हज़रत इस्माइल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत बीबी हवा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत आजरा, नन ऑफ देम। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत हवा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज़ वर्बल मीनिंग ऑफ डिवाइन रिवेलेशन। वही, वही का वर्बल मीनिंग लफ्जी मीनिंग क्या है? टू पॉइंट आउट और टू गिव मैसेज, टू टॉक, टू आर्डर, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों वही का मतलब है टू गिव मैसेज। क्वेश्चन नंबर 59 की करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वही आर देयर। वही की कितने काइंड्स है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 7। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।